पता नहीं क्या चाहती है ये। कौन सर? अरे शशिकला है, और कौन? शशिकला? ये कौन है सर? ये शशिकला, वो दिशा भाभी की। तुम्हें इससे क्या करना है? तुम जाओ यहाँ से। आप भी जाइए सर। बॉस ने कहा है मिस्टर माधव से कॉफी शॉप में मिलने के लिए। बॉस वहाँ डायरेक्टली पहुंचेंगे। बॉस भी शशिकला बनते जा रहे। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। पिया बेटे, लिसन टू मी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटे, अनी का हाथ छोड़ दो। अनी, अनी। अरे मेरा नाम अनी नहीं है, मैं रौनक शर्मा हूँ। अरे तुम में इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? देख नहीं रहे मेरी बेटी की हालत? अरे डॉक्टर, आप तो सच्चाई जानते हैं ना कि इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा, तो आप इन लोगों का साथ क्यों दे रहे? तो डॉक्टर है और आप ये भी जानते कि मैं नहीं हूं, तो फिर बताइए ना इन्हें। हाँ हाँ बेटे, ये तुम्हारा अनी ही है। एंड यू, तुम अनी हो, समझे? अब तुम यहां से जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इतने महीनों बाद ये अटैक हुआ कैसे। मुझे कुछ नहीं पता डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर उस लड़के का कुछ किया हुआ है। देखिए बत्रा साहब, पिया की जो कंडीशन है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटा नहीं, बत्रा साहब आप प्लीज बाहर जाइए, मैं पिया से बात करता हूं। पिया बेटे, नहीं अंकल, मुझे उस लड़की के बारे में पता चल गया। किस लड़की के बारे में बेटे? उस लड़की जिसके वजह से पानी मुझे भूल चुका है। ये देखिए उसका वाला। डॉक्टर साहब, ईशान की याददाश्त वापस आ जाएगी ना? माँ, इंदर बता रहा था कि पन्ना की सास आजकल उसका बहुत ख्याल रखती है। वो तो ठीक है बड़ी, लेकिन क्या सास का ख्याल रखना ही काफी है? औरत की असली खुशी तो उसके पति के साथ में होती है ना। तुम ही बताओ, हम सब है ना तुम्हारे पास, पर क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो? अरे अब सुहाना को ही ले लो, है हम सब कितना प्यार देते हैं उसे, लेकिन ईशान की बेरुखी तो खलती है ना उसे। दिशा, क्या है ये सब? बड़ी मम्मी, इतनी सारी कॉपियां चेक करनी है और मेरे कमरे का पंखा ही नहीं चल रहा आज। आखिर भाई कितनी सारी कॉपियां मरी? हाँ नानी जी, हर कॉपी का हर शब्द पढ़ना होता है, फिर सबको उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। भाभी, सब बच्चों को ना अच्छे से नंबर दीजिएगा। हाँ अच्छा, कहीं आप घर का गुस्सा बेचारे बच्चों पे तो नहीं उतारती है ना? नहीं, पर पता है हमारे स्कूल में एक दो ऐसी टीचरें हैं, उनका घर पे जब झगड़ा होता है ना अपने पति या सास के साथ, उफ, उस दिन तो बच्चों की ऐसी हालत खराब करती है। दिशा, पन्ना को भी ऐसी कॉपियां चेक करनी पड़ती होगी ना? हाँ बड़ी माँ, इस वक्त सिर्फ पन्ना दी मेरा दुख समझ सकती है। अरे मीना, जरा फोन देखना। आजकल बैंक वाले ना पता नहीं कितने पैसे आ गए उनके पास, फोन कर कर के कहते उधार दो उधार दो। अरे हमारे जमाने में तो अपनों से भी उधार मांगने में शर्म आती थी मरी। हेलो शैलीजा, अच्छा बड़ी माँ, हाँ हाँ है ना, बड़ी माँ जा तू जल्दी से निपटा देना वो काम।
हेलो शैलजा। आप? मैं, मेरा लेटर नहीं मिला तुम्हें। मिला? नहीं, मतलब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा कि शायद नहीं मिला। माँ बाबू जी कैसे हैं? ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? आप कैसे हैं? कुछ ठीक है ना? हाँ। किसका फोन है बड़ी? लगता है बड़ी माँ को कोई कॉलर ट्यून सुना रहा है। बड़ी मामी क्या हुआ? अरे बड़ी, बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया भैया? बड़ी मामी क्या हुआ? क्या हुआ? दिशा, थोड़ा नींबू पानी मिलेगा बेटा? जी। क्या बात है बड़ी? माँ फोन आया था। किस मरे का फोन था? ईश्वर का। मामी पानी, मैं छोटे मामू को फोन करती हूँ। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। दिशा, तुम सब्जियां काट लो, मैं बड़ी को उसके कमरे में ले जाती हूँ। पर नानी जी ये... अरे कुछ नहीं, जरा गर्मी लग गई है, चक्कर आ गया, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ चल चल बड़ी। ईशान है ना? ओह या। तो उसने हमें इग्नोर क्यों कर दिया? आई नो, चल जाके देखते हैं क्या आखिर चक्कर क्या है। हाय ईशान, कैसे हो? तुमने ऑफिस कब ज्वाइन किया? थैंक गॉड, हाँ एक्सीडेंट इतना मेजर नहीं था। By the way, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जी मैं तो ठीक हूँ। कौन है ये लोग? इशिका की फ्रेंड्स है? क्या हुआ ईशान? हमें देख के तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो? Are you okay? और तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमें देख के इग्नोर क्यों किया? जी वो मैं एक्चुअली आपको तो पता ही होगा। आ? हम लोग सुली सुली हैं। सुली सुली? टी या कॉफी? नथिंग। पहले तुम मुझे ये बताओ कि सुहाना कैसी है? सुहाना? हाँ सुहाना। सुहाना मतलब वो सुहाना। अब तुम क्या सुहाना के नाम का जाप करने बैठे हो? बाय द वे, मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और तुम्हें सुहाना के साथ वहाँ जरूर आना है। हाँ हाँ हाँ, मैं आऊंगा। वैसे ये सुहाना ये कहाँ रहती है? लेग पुल कर रहे हो क्या? गुड इवनिंग मिस्टर कश्यप। गुड इवनिंग, हेलो मिस माथुर। ओके द निशान, बाय बाय, टेक केयर। बाय।
बैक गुड कंपनी। चलो अच्छा है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई तो कम से कम बोर तो नहीं हुए तुम। नहीं, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर की दोस्त नहीं है। दैट्स इवन बेटर, वी विल टॉक वर्क नाउ। ओह यार, अरे आपने तो कहा था कि आपको कॉपीज चेक करनी है। हाँ वही ना, पर नहीं कर पाई। बड़ी मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मैं उनके साथ बैठी थी। क्या हुआ बड़ी माँ को? सब कुछ ठीक तो है? डॉक्टर को बुलाए, मैं देख कर आती हूँ। बड़ी सुहाना, इतना मत घबराओ, कुछ नहीं हुआ, अब ठीक है तुम्हारी बड़ी माँ। पर उन्हें हुआ क्या था? पता नहीं, फोन पे बात कर रही थी, अचानक चक्कर आया और पसीने पसीने हो गई पूरी। फोन पे किससे बात कर रही थी? आपने पूछा उनसे? मैं पानी लेने गई थी, उतने में नानी जी आई और उनको अपने कमरे में ले गई। कह रही थी कि गर्मी की वजह से ना उनको चक्कर आ रहे थे। गर्मी तो है, आपको पता है मैं तो कितना एडजस्ट कर रही हूँ आजकल ऋषिका के रूम में, बगैर एसी के सो रही हूँ मैं। और वो भोलू, एक बार नहीं उसने पूछा कि मेरे रूम में एसी कहाँ से आया। भोलू बनके ना वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहा है। हाँ ऋषिका ठीक कहती है, ये ईशान एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है ना। हे भगवान, सुहाना मुझे इतना काम है, प्लीज हाँ मैं और बातें नहीं कर सकती। तो रजनी दीदी आज मीठी को बाहर लेके गई और ईशिका की बच्ची भी आज कॉलेज से नहीं है, मुझे कॉपियां भी चेक करनी है। लाई, मैं वेजिटेबल्स कट करने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो आपी? अरे मीना, ये कपड़े वापस क्यों ले आई? अरे ये तो धोबी को प्रेस करने देने थे ना। भाभी वो धोबी की दुकान बंद है, वो ना शादी में गया हुआ है। व्हाट? वो ईशान के क्लोथ आयन किए बगैर शादी में कैसे जा सकता है? छोटी भाभी उसकी अपनी शादी है। सो व्हाट? मोहन जी अब क्या होगा? सुबह सुबह ईशान उठ के मांगेगा ना कपड़े फिर। अरे मीना तू प्रेस कर देना जल्दी से प्लीज। भाभी मैं कर देती प्रेस, पर मुझे भी तो दूसरे घर काम करने जाना है ना। मैं ना वहां से आने के बाद प्रेस कर देती हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, रहने दे, मैं कर दूंगी प्रेस ईशान। सुहाना तुमने पहले कभी प्रेस किया है? प्रेस करने में क्या है, क्लोथ्स को ऐसे रख के उस पे आयन ऐसे रोल रोल करना और क्या है। और अगर कपड़ा जल गया तो? हाँ सुहाना, या फिर भोलू बोलेगा ना, शशिकला जी आपने मेरे कपड़े जला दिए। रहने दे, तू ही कर देना आयन, मैं वेजिटेबल्स कट करके आपकी हेल्प करती हूँ। मतलब आज तुम कुछ ना कुछ करके रहोगी। भूलिएगा मत, मेरा नाम सुहाना नहीं, शशिकला है, शशिकला। बड़ी तुमने ठीक से पहचानी थी ना उसकी आवाज, मतलब ईश्वरी था ना। हाँ हाँ माँ, उन्हीं की आवाज थी। जाना कितने सालों बाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। पहले वो चिट्ठी भेजी, अब फोन, ये सब। इतने साल बीत गए माँ, कभी हमारी खबर नहीं ली। आपको चिट्ठी लिखते रहे पर मुझे कभी नहीं लिखी। फिर अचानक यूं, मीना ने भी बताया ना, मेरे लिए फोन था, मतलब मेरा ही नाम लिया होगा। तुझसे ही बात करना चाहता होगा वो। वो खत भी तो उसने तेरे ही नाम पर भेजा है ना। बड़ी, बड़ी क्या हुआ? बड़ी मीना बता रही थी कि किसी से फोन पर बात करते करते तुझे चक्कर आ गए, सब ठीक तो है ना? किसका फोन था? उसे क्या देख रही है, मुझे बताना किसका फोन था। कोई परेशान कर रहा है तुझे? नहीं बाबूजी, वो मैं दोपहर में बाहर गई थी ना तो गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। अरे वो तो ठीक है, पर फोन किसका था? ओफो, अब बार बार ये पूछ के कि किसका फोन था, परेशान क्यों कर रही हो बड़ी को? आराम करने दो बेचारी को। ठीक है बड़ी, तू आराम कर, मैं बाद में आ जाऊंगा, आराम कर। शुक्र है तुम्हारे बाबूजी ने कुछ सुना नहीं, पर अचानक कैसे फोन आ गया ईश्वर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। कहीं ईश्वर वापस तो नहीं आ रहा।
नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। मन में बेकार की आशा जगाने का कोई फायदा नहीं। क्या बात हो सकती है बड़ी? बाबूजी की और आपकी चिंता जागी होगी मन में, या फिर बच्चों की। अचानक करे सब ठीक हो और वो वापस आ जाए। कौन वापस आ रहा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।